निमित्त टीचर्स बहने और ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ बधाइयां, बाद समाचार। आप सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर सदा विजयी बन अपने डबल लाइट फरिश्ते रूप द्वारा सूक्ष्म मनसा सेवा का अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों में सेवाओं की रूपरेखा भी कैसे बदल रही है। साइंस के साधनों द्वारा ईश्वरीय संदेश देने का ये नजारा बहुत न्यारा प्यारा है। बीके परिवार भी इसका अच्छा लाभ ले रहे हैं। सभी नियमित टीचर्स बहनों के साथ पूरे ब्राह्मण परिवार को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष तपस्या करने का सुंदर चांस मिला है। आशा है सभी एकांत में रह मन बुद्धि की एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। अभी तो ब्राह्मणों का सबसे प्यारा त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन का पर्व समीप आ रहा है। हर वर्ष तो सब ये पवित्रता की सूचक राखी अनेक स्नेही सहयोगी आत्माओं को बांधते ईश्वरीय संदेश देने की बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन पर ड्रामा की जो भी सीन रहेगी उसे हम सब साक्षी होकर देखते रहेंगे। सर्व के रक्षक सहारे दाता परमात्मा पिता का दिव्य संदेश देने की सेवा करेंगे। नीचे बाबा ने हम सबको सदा के लिए तीन धागों की पक्की राखी बांधी हुई है। सदा सदा के लिए तीन धागों की पक्की राखी बांधी। पहला स्वयं रक्षक, दूसरा मर्यादा रक्षक, तीसरा यज्ञ रक्षक। क्या करना है? स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक। बोलो, तीन बातें स्मृति में रहती है ना प्यारे बाप दादा की। हम बच्चों प्रति जो आश है, मेरे बच्चे अब सूक्ष्म बंधनों से मुक्त बन संपूर्ण सतो प्रधान पावन बने, अपनी शुद्ध पवित्र मनसा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं सहित पांच तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करें। तो जरूर आप सब अपने अपने स्थानों पर इस लक्ष्य को लेकर विशेषता संपन्न योग तपस्या कर रहे होंगे। अब हरेक के अंदर ये धुन लगनी चाहिए, हमें बेहद की वैराग वृत्ति में रह स्वयं की कर्म कमजोरियों को समाप्त कर बाप समान बन वापिस घर चलना है। बेहद की वैराग वृत्ति में रहकर स्वयं की कमी कमजोरियों को समाप्त कर बाप समान बन वापिस घर चलना है। आओ इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सब दृढ़ता संपन्न संकल्प करें। पहला, योग अग्नि में पुराने संस्कारों के बीज को भस्म कर नई दुनिया के नए संस्कार धारण करेंगे। पुराने संस्कारों के बीज को भस्म कर नई दुनिया के नए संस्कार धारण करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, सदा एकरस मूड रख हर्षित चित हर्षित मुख रहेंगे। तीसरा, संपूर्ण पावन बन पावन बनाने की सेवा करेंगे। चौथा, हद की बातों को समाप्त कर बीती को बिंदी लगाए रूहानी स्नेह के सूत्र में बंद एकमत एकर स्थिति द्वारा एक बाप का नाम बाला करेंगे। ये प्रतिज्ञा का कंगन स्वयं को बांधे और सब स्नेही सहयोगी आत्माओं को ऐसा शुभ संदेश देने की सेवा करें। इसी स्नेह और शुभ भावना के साथ आज आप सबके पास मधुबन घर से बहुत सुंदर राखी आ रही है। हर एक अनुभव करें जैसे मधुबन से प्यारे बाप दादा अव्यक्त स्वरूपा दादियां हमें डायरेक्ट स्नेह की राखी बांध रही हैं। ये राखी सदा हमारी रक्षा करती रहेगी। सभी को स्नेह भरी याद, दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति।